बाबूजी 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 नारी गोली बहुत अच्छी गोली है जी। कितने की है? ये बाबूजी 100 रुपए की एक है। अरे ठीक लगाओ। ठीक क्या लगा? आपको 90 रुपए करेगा, 90 रुपए की। अच्छा वैसे कितनी है तुम्हारे पास? कितनी है? एक 20 है सर। 20 है? हाँ जी। देखो मैं सारी ले लूंगा लेकिन ठीक रेट लगाओ। सारी ले लोगे तो 80 रुपए लगा दो। 80 रुपए। अच्छा सारियों के कितने हुए फिर? 1600 रुपए। 1600 रुपए। वैसे खुले तो होंगे ना तुम्हारे पास? नहीं बाबूजी अभी तो बोनी भी नहीं की बाबूजी। तो एक काम करो ये सामान मुझे दो और 400 रुपए खुले लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें 2000 का देता हूँ। ठीक है ठीक है बाबू, ये पकड़ो अभी लेकर आता। ले पकड़ियो एक बार यार। गाड़ी गाड़ी तो यही थी, मेरा सामान, अरे ये क्या कर रहा तू? उसको पैसे तो दे देता। अरे यार तू छोड़ ना, सामान मिल गया ना, मैं क्यों टेंशन ले रहा फालतू की? दीपांशु तेरा दिमाग खराब है, उसका सारा सामान भी ले लिया और पैसे भी नहीं दे रहा, गलत है ये। यार ये लोग ना हम जैसे लोगों को ही लूट लूट कर पैसे कमाते हैं, और आज मैंने इसको लूट लिया तो क्या गलत कर दिया? दीपांशु पछताएगा एक दिन। हाँ हाँ देखा जाएगा, कोई नहीं। बाबूजी कल आप सामान लेके पैसे नहीं देंगे बाबूजी आप? अरे हाँ वो कल एक अर्जेंट कॉल आ गई थी इसलिए जाना पड़ गया था। बाबूजी अब तो दे दो पैसे, मैंने कल से काम भी नहीं किया। अरे अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, दे दूंगा अगली बार। बाबूजी बच्चों ने खाना भी नहीं खाया बाबूजी। अरे यार तेरा दिमाग खराब है क्या? कौन सा मैं पैसे लेकर भाग रहा हूँ? बोला ना दे दूंगा अगली बार, चल अब साइड आओ। दे दीजिए बाबूजी पैसे, दे दीजिए। साइड हट जा बाबूजी, पैसे दे दीजिए बाबूजी। बिल हुआ सर? आपका बिल हो गया है 33,000 का। ये लो सर, एक्चुअली मशीन खराब है, आप कैश कर दीजिए ना। कैश तो नहीं मेरे पास, यहाँ के आसपास में एटीएम है? हाँ जी है ना, जस्ट सीधा जाएंगे तो 200 मीटर आगे ही एटीएम है, वहाँ से ले आइए आप। ठीक है सामान आप मेरी कार में रखवा दीजिए, मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ। जी रखवाता हूँ। देवा जी सर, ये सामान साहब की गाड़ी में रखवाओ। तुम चलो मैं एटीएम से पैसे लेके आता हूँ। क्या हुआ, परेशान सा लग रहा कुछ? अरे यार एक बंदा आया था 33,000 का सामान खरीद के चला गया, कहता कैश निकलवा के ला रहा हूँ, 2-3 घंटे से वापस ही नहीं आया। अब आएगा भी नहीं वो? नहीं आएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वो तुझे चूना लगा के निकल चुका है, आना होता तो अब तक आ चुका होता। यार पागल हो गया है क्या, 33,000 का चूना, ये तो मेरी पूरे महीने की कमाई है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तुझे ध्यान रखना चाहिए था ना यार, मैंने तो उसको भरोसा करके भेजा था ना, और
मुझे क्या पता था वो ऐसा कर देगा। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तुझमें है इंसानियत? क्या मतलब? मतलब ये बंदा तो तेरा थोड़ा बहुत सामान लेके गया है, और तू उस बंदे का सारा ही सामान लेके आ गया था। उसका तो काम ही बंद हो गया होगा। तूने एक बार भी सोची कि उस पे क्या गुजर रही होगी? उसने भी तो तुझे भरोसा करके ही छोड़ा था ना, जैसा तूने उसके साथ किया था, आज इस बंदे ने तेरे साथ कर दिया। हाँ भाई, मुझे समझ आ गया कि मैंने कितना गलत किया। आज मेरे साथ बुरा हुआ तो मुझे सब समझ आया। चलो, कम से कम तुझे समझ तो आया। हाँ, और सबसे पहले ना मैं उस बंदे के पैसे वापस करके आता हूँ, वरना मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। भैया। हाँ, वो मैं तुम्हारे पैसे वापस करने आया था। ये लो। मैं 400 रुपए लेकर आता हूँ भौजी। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी वजह से 2 दिन तुम्हारा काम बंद हुआ ना, बस उस नुकसान की भरपाई समझ के रख लो। भगवान आपको खुश रखे। और मुझे माफ कर देना, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया। चलता हूँ।